1992 से विधायक बनते आ रहे हैं। बिलासपुर सीट से ये विधायक रहने के बाद काजिम अली खान स्वार सीट से भी विधायक रहे हैं। 2003 में काजिम अली हज मंत्रालय के मंत्री भी बने थे। इस बार बसपा की स्वार सीट से उम्मीदवार हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं। रघुराज प्रताप सिंह प्रदेश में राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। राजा भैया 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी और समाजवादी सरकार दोनों में ही वो मंत्री रह चुके हैं। अजय राय वाराणसी क्षेत्र वीआईपी क्षेत्रों में से एक माना जाता है। बीजेपी से लोकसभा चुनाव की टिकट नहीं मिलने से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी से अजय राय मात खा गए थे। अजय राय 5 बार से लगातार विधायक रहे हैं। कांग्रेस से पिंडरा सीट से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रामप्रसाद चौधरी ने राजनीतिक पारी समाजवादी पार्टी से शुरू की थी, लेकिन अब बीएसपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। कप्तानगंज सीट से 5 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। ये सभी वो विधायक हैं जो कि लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते आए हैं, और अब इनके सामने चुनौती है एक नया रिकॉर्ड बनाने की। वो रिकॉर्ड जो बनने के बाद यूपी के सियासी गलियारे में इतिहास बन जाएगा। हालांकि चुनाव में जीत और हार नेताओं के विकास कार्यों को देखते हुए जनता तय करती है, लेकिन एक बात तो साफ है, जहां इस चुनाव में अखिलेश यादव और पीएम नरेंद्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर डबल हैट्रिक लगाने के मकसद